हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल वैशाली कैंपस में। दोस्तों, मैं आज फिर से एलपी सीबीटी 2 का एक आप लोगों के रिक्वेस्ट है एक वीडियो बना रहा हूं। तो देखिए, इसमें कोई भी वीडियो अपलोड कीजिए तो उस पर एलपी सीबीटी 2 के बारे में ही पूछा जाता है। तो आज इस वीडियो में हम आपको सारे डाउट क्लियर कर देंगे। तो देखिए, इसमें हम आपको बताएँगे रिजल्ट डेट कब तक आ सकती है। ITI और LP वाले मतलब डिप्लोमा वाले बिल्कुल सेफ हैं, और PCM वाले के कट ऑफ हाई जा सकती है, और पार्ट ए एंड पार्ट बी के बारे में भी इसमें वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि शुरू से लास्ट तक बने रहें। अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं लेटेस्ट अपडेट आपको प्रोवाइड करते रहता हूँ। तो चलिए आज बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, ITI एंड LP वाले के लिए सबसे पहले बात करें तो इनके बिल्कुल सेफ हैं, जिनके नंबर पार्ट ए में 40 नंबर आ रहे हैं, 40 से 50 नंबर, आप कहिए कि 10 का डिफरेंस इसीलिए रखा हूँ, तो 40 उनके लिए जिस जोन से आपका कटअप कम जाती है, जैसे पटना हो गया, उसके बाद आपका जम्मू एंड श्रीनगर हो गया, उसके बाद आपका इधर गुवाहाटी की तरफ हो गया, तो इसके लिए जो भी जोन है उनके लिए 40 नंबर, और जिनके हाई कटअप जाती है, जैसे मान के चलिए इलाहाबाद हो गए, आपका उधर चंडीगढ़ हो गए, ये सब की जगह हाई कटअप जाती है, तो उनके भी नंबर 50 नंबर भी वो सेफ हैं। अब बात करते हैं PCM वाले के लिए। तो PCM वाले के मैं पहले भी बताया था 65 से लेके 70 अगर नंबर आ रहे हैं वो भी सेफ हैं, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि ग्रुप डी में नॉर्मलाइजेशन जब हुई है तो कितने कितने नंबर बढ़े हैं। मैक्सिमम 40-40 नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ाए गए हैं, मैक्सिमम बता रहा हूँ। 30 से 40 नंबर के बीच में तो बहुत नंबर ज़्यादा बढ़े हैं, तो इतने इतने बढ़ने के चांस हैं। अब बात करते हैं पार्ट ए एंड पार्ट बी में। तो देखिए, पार्ट ए की तो बात हो गई ITI और PCM वाले के लिए, तो पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में जिनके नंबर, मैं पहले भी वीडियो अपलोड किया था, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, जिनके नंबर 20 हैं तो पार्ट बी में नॉर्मलाइजेशन 100% होगी, और जिनके नंबर 20 नंबर भी आ रहे हैं तो वो 26.25 नंबर आ सकते हैं, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कुछ क्वेश्चन गलत है तो आपके यहाँ से परसेंटेज कम की आ जाएगी। हो सकता है कि आपका 24 नंबर आ जाए, 25 नंबर आ जाए, तो यहाँ से 20 से आप लोग 24-25 नंबर आराम से पहुँच सकते हैं। और हर शिफ्ट में मैक्सिमम 2 या 3 नंबर क्वेश्चन गलत थे, आप लोग भी जानते हैं कि हर शिफ्ट में 2 या 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्शन भी किए गए हैं। तो यहाँ से पार्ट बी ए एंड पार्ट बी क्लियर हो गई। और बात करते हैं PCM वाले के लिए कट ऑफ हाई इसलिए जा सकती है कि उनके सीट 5200+ है, और जिसमें ITI वाले जो 12th अगर किए हुए हैं तो वो भी फाइट करेंगे, डिप्लोमा वाले तो खुद करेंगे ही क्योंकि वो 12th किए हुए रहते हैं, तो यहाँ पे इसके हाई जा सकती है। और LP और ITI वाले बिल्कुल सेफ हैं, उनके जिनके नंबर 40 भी बन रहे हैं ना, अगर आपका 40% लाने थे आपका क्वालिफाइंग के लिए, अगर वो भी आ रहे हैं तब पर भी आप सेफ हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगी, नंबर बढ़ेगी। देख लीजिए, हर एग्ज़ाम में आप लोग देख सकते हैं, RPF देख सकते हैं, SI या कॉन्स्टेबल की या ग्रुप डी से देख सकते हैं कि कितने कितने नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ रही है इस बार नॉर्मलाइजेशन में। अब बात करते हैं रिजल्ट डेट। तो चलिए आपको मीडिया रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसके बताया जा रही है कि मई मार्च में आने की संभावना है। तो चलिए आपको मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ले चलते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं द इंडियन पे है। देखिए, मैं इस पर भी ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन इनके द्वारा कुछ तो हद तक तो सही होती है। तो इसमें बताया जा रहा है कि रिजल्ट है आपका इस मंथ के अंत तक जारी हो सकता है। मैं इसको पूरा नहीं पढ़ूंगा, आपको इस लाइन को ही दिखा देता हूं। इसमें तो और लिखा हुआ है अंदर में, बहुत फालतू की चीज़ भी ये लोग लिखते हैं। तो इस मंथ के लिस्ट में आ सकते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि इनके बाद अब इनका RPF SI का रिजल्ट आ गए, SI कॉन्स्टेबल की एक कुछ ग्रुप की रिजल्ट बच रही है, तो 2-4 दिन में उनके भी रिजल्ट आ जाएंगे। अब बस ये ग्रुप डी का भी हो गए, PT का भी डेट आ गई, तो अब इनके पास सिर्फ ग्रुप टेक्नीशियन ग्रुप सी का रिजल्ट बच रहा है। तो ये हो सकता है इस मंथ में ज़रूर आ जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कम से कम 100% मतलब कि 1000 लाइक इस बार इस वीडियो को ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों से होप है, आप लोग ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, नेक्स्ट अपडेट में आपसे मैं फिर मिलता हूँ। थैंक यू सो मच।